डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा बेटे, डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? एक होता है वर्ड डिजीज, डिजीज हम कहते हैं बीमारी को, किसी एक बीमारी को, और डिसऑर्डर हम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीजेस। ये मतलब एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। ग्रुप ऑफ डिजीजेस दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। अब बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें हमारे पास तीन तरह की आप कह लो कि जनरल बीमारियां जो हैं वो पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज डायरिया, सेकंड वन इज अल्सर, एंड थर्ड वन इज कॉन्स्टिपेशन। अब बेटे कोई भी डिजीज आपने लिखनी है तो उसके लिए आपने अपने तई हेडिंग्स जो हैं वो बना लेनी, ठीक है। अब सबसे पहले डायरिया, इसकी आप दो चार लाइनों में एक्सप्लेनेशन लिखोगे। व्हाट इज डायरिया? डायरिया जो है इसमें आपके वॉटरी लूज बाउल मूवमेंट्स वो होती है। अब इससे क्या मुराद है? पखाना जो है वो पतला हो जाता है। अब इस पखाना पतला होने की वजह और बार बार आपको हाजत महसूस होती है, बाउल मूवमेंट्स जो हैं वो आपकी बार बार होती है। अब इस पखाना पतला होने की वजह इन एडिक्वेट वाटर एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या बेटे? जितना पानी हमारी इंटेस्टाइन से ब्लड में जज़ब होना चाहिए था वो जज़ब नहीं हो पाता। अब आम तौर पर ये जो बीमारी है ये होती किस वजह से है? ये आपके पानी साफ ना होने की वजह से। जब गंदा पानी पिया जाता है या ऐसी खुराक खाई जाती है जो गंदे पानी में बनी होती है तो उस वजह से ये डायरिया जो है वो बीमारी होती है। अब इनके मेन जो इस वाटर सप्लाई के अंदर जिनकी वजह से ये पानी गंदा हुआ, मेन जो एजेंट्स होते हैं दे मे बी बैक्टीरिया और दे मे बी वायरसेस। फंगल इन्फेक्शंस भी होती हैं, फंगस की वजह से भी होता है, लेकिन जो मेन इनके काजिज हैं वो बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं। अब बेटे इसमें होता क्या है? अब इसकी मतलब पैथोलॉजी क्या है? इसके अंदर आपकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं हो सकी। अब जब वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी, जो पानी में हल पजीर साल्ट्स होंगे वो भी हल जज़ब नहीं हो सकेंगे। अब ये पानी और ये सॉल्युबल साल्ट्स जो हैं दे वाया फीसिस आपकी बॉडी से खारिज होते चले जाएंगे। अब उससे क्या होता है? आपको थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है, आपकी टांगों में जान नहीं होती, थकावट महसूस होती है। अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या किया जाता है? मतलब अब हमने इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाना है तो आप क्या करोगे? यू हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करोगे और बेहतर यह होगा आप उनके अंदर
साल्ट्स ऐड करके पिए। अगर हम अपनी डाइट और वाटर इंटेक ठीक नहीं रखेंगे तो हमारा जिस्म जो है उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन, डी ई का मतलब मैंने बताया था आपको, महरूम होना, मतलब पानी की कमी हो जाएगी। अगर ठीक डाइट वाला इंसान है तो वो जल्दी रिकवर कर जाता है, और अगर वो माल न्यूरिश्ड है, जो माल न्यूरिश्ड हैं उनमें डिहाइड्रेशन होती है, यही डायरिया जो है इसके साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है, एंड दैट मे बी फेटल फॉर देम। ये उनके लिए क्या हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। ये जो डायरिया है ये डाइसेंट्री में तब्दील हो जाता है, जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए आम जो इसके मुतल्लिक है, जब मोशन लगते हैं खुराक भी बेहतर रखनी चाहिए, और साथ पानी जो है उसमें मिनरल्स, ये ORS वगैरह जो होते हैं, ये ऐड करके पीने चाहिए, ताकि जो वाटर और साल्ट्स डेफिशिएंसी है वो आपकी साथ साथ पूरी होती रहे। और अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो डॉक्टर आपको कोई इसके साथ एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर देगा। वो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो अगर वायरल हैं तो उनको सिर्फ लाइफ साइकिल पूरा होने का वेट किया जाता है, बाकी जिस्म की खुराक की सप्लाई जो है वो ठीक रखी जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी अल्सर। अब ये अल्सर क्या होता है बेटे? अल्सर जो है बेसिकली हम नाम देते हैं वाउंड को, लेकिन ये वाउंड होता कहाँ पे है? ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी हो सकता है। अब एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास एसोफेगस, यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां जन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टरलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तरद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे यह है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कार्डिक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर मार्क, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, मेहर मोहम्मद नई, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख जैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। स्टोमिक और आपकी इंटेस्टाइन्स भी इसमें शामिल है। अब ये होते क्यों हैं अल्सर? ये अल्सर तब होते हैं बेटे जब आपकी खुराक जो है वो ज्यादा एसिडिक होगी,
जब आपकी खुराक के अंदर कोलास जो हैं वो ज्यादा मौजूद होंगे, क्योंकि वो भी तेजाबी होते हैं, मिर्च मसालों वाली खुराक जो है वो आप इस्तेमाल करोगे, तो तब हमारी इन जो एलिमेंट्री कैनाल के कंपोनेंट्स हैं उनमें जख्म आ जाते हैं। हमारे जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं ये क्यों होते हैं? एक तो ये खुराक, दूसरा जो हमारी स्टोमिक एसिडिटी है, ये जब ज्यादा होगी तो इट विल बिगिन टू डैमेज द वॉल्स ऑफ स्टोमिक। ये हमारी मैदे की दीवारें जो हैं उनको खराब करना, डैमेज करना शुरू कर देंगे, और उसकी वजह भी बेसिकली हमारी खाने की इररेगुलरिटी है। नहीं खाना, नहीं खाना, जब खाना है तब टका के खा लेना, तो वो एसिड प्रोड्यूस होता रहता है। बेसिकली ये हमारा स्टोमिक है, अगर तो इसमें म्यूकस की एक तह जो है वो इसके ऊपर मौजूद होती है। जब इसमें से गैस्ट्रिक जूस पैदा हुआ तो वो दीवारों से निकला और इसकी कैविटी में आ गया, लेकिन जब ये एसिड बार बार पैदा होता रहेगा और ज्यादा पैदा होता रहेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता इस म्यूकस को डैमेज करना शुरू कर देगा। जब जहां से ये म्यूकस डैमेज होगी, अब ये जो दीवारें हैं ये भी तो प्रोटीन्स की बनी हुई है, तो वो जो पेप्सिन है वो इन दीवारों पर अमल करना शुरू कर देता है। जब उन दीवारों पर अमल करता है तो वहां पर जख्म हो जाते हैं। अब ये जो आपकी अल्सर्स हैं, इनसे बचने के लिए क्या हम कर सकते हैं बेटे? इसके लिए एक तो आपका खाना जो है वो बाकायदा होना चाहिए, पहली बात। आपकी डाइट जो है वो सिंपल होनी चाहिए, आम खुराक, कम मसालों वाली खुराक, घरों में बनने वाली चीज़ें वो ज़्यादा बेहतर होती हैं क्योंकि साफ़ सुथरी होती हैं, उनमें टेस्ट ऐड करने के लिए मसाले ऐड नहीं किए जाते। फिर उसके बाद आपका जो स्लीप पैटर्न है वो आपका रेगुलर होना चाहिए। आप देर तक जागोगे, आप देर तक कुछ ना कुछ खाते पीते रहोगे, जो कि मैदे के लिए ठीक नहीं। आपका बकायदा सोने और जागने का टाइम होगा तो आपका खाने का टाइम भी बकायदा हो जाएगा, जिससे आपके जो स्टोमिक एसिडिटी है या स्टोमिक की सिक्रीशंस हैं वो रेगुलर होंगी, बकायदा होंगी, जिससे उसका डैमेज जो है वो अच्छा। अब बेटे इसके दौरान इसकी सिम्टम्स क्या हैं जब ये हमें अल्सर्स मौजूद हैं? सर, देर विल बी नौजिया, मतली महसूस होगी, देर मे बी रीजर्जिटेशन। रीजर्जिटेशन का मतलब खाना खाया उसके बाद खट्टा डकार आ जाता है, आपको गला सारा खट्टा हो जाता है, मिर्चे सी लगनी शुरू हो जाती हैं, इस अमल को हम कहते हैं रीजर्जिटेशन। There will be a rush of saliva, मतलब आप बार बार थूक फेंकोगे। There may be abdominal burning, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे जलन हो रही है आपके। अगर तो स्टोमिक में अल्सर है तो यहां पर आपके एसिडिटी होगी, इसको हार्ट बर्न का भी नाम दिया जाता है। और अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं अल्सर है तो आपको पेट के अंदर जो है वो जलन सी महसूस होगी, एसिडिटी ज़्यादा महसूस होगी। एसिडिटी यहाँ पे महसूस होगी, यहाँ पर बेसिकली जलन। और अगर अल्सर जो हैं वो स्वियर हैं तो स्वियर अल्सर जो हैं उन दे में भी काज एब्डोमिनल पेन। उनमें क्या होगा बेटे?
यू विल फेल एब्डोमिनल पेन्स, आपको पेट में दर्द भी होगा। तो इनसे बचने के लिए, अल्सर से बचा जा सकता है। अब अगर इसका हमने ट्रीटमेंट करना है इन सारी चीजों के साथ साथ, आपको उस पीएच को न्यूट्रलाइज करने वाली मेडिसन जो हैं वो दी जाती, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो कोई बेस देना पड़ेगा, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो बेस होता है, वो देंगे ताकि जो स्टोमिक की एसिडिटी है वो ज़रा कम हो। अच्छा जी, अब थर्ड जो हमारा डिजीज, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है? एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कोलोन, के कोलोन से ज्यादा पानी जज़ब हो जाता है। अब उससे क्या होगा, जो आपके वेस्ट मटेरियल्स या बाकी मादे जो बाकी बच गए थे कोलोन के अंदर, वो क्या हो जाएंगे? फीसिस विल बिकम हार्ड। जब ये सख्त हो जाएंगे, दे विल बी डिफिकल्ट टू पास आउट, तो इनको खारिज करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो कॉन्स्टिपेशन है, उससे जो मटेरियल्स हमारे जिस्म में नहीं चाहिए उनका स्टे टाइम बढ़ जाएगा, तो वो फिर मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देते, इवन कैंसर तक की बीमारियां, क्योंकि उसमें कार्सिनोजेंस भी मौजूद थे, उनको हमारे जिस्म से जल्दी निकल जाना चाहिए था लेकिन उनका स्टे टाइम बढ़ गया। अब ये जो कॉन्स्टिपेशन है, ये एक तो लेस डाइटरी फाइबर, अगर आप अपनी डाइट में डाइटरी फाइबर कम लेते हो तो कॉन्स्टिपेशन का मसला होगा। आप मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेसन की बनी हुई चीज़ें या प्रोटीन्स वो गोश्त की सूरत में, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं, फाइबर उतना मौजूद नहीं है जितना चाहिए, तो कॉन्स्टिपेशन का। आप लेस वाटर इनटेक, पानी ही कम पी रहे हो, तब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा। आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब आपकी जो डेली रूटीन है उसमें आपके कोई एक्सरसाइज शामिल ही नहीं, जिस्मानी वर्कआउट शामिल ही नहीं, तो तब भी कॉन्स्टिपेशन होगी। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? कॉन्स्टिपेशन के इलाज से बेहतर है इससे बचा जाए। वैसे तो हर बीमारी का यही असूल है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इस सूरत हाल में आपके लिए ये बात सबसे ज्यादा मौजू है। आप इससे बच सकते हैं अपनी डेली फूड के अंदर, डेली डाइट के अंदर आप डाइटरी फाइबर शामिल कर लें, आप फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, जिससे डाइटरी फाइबर की आपको खतरखा मकदार मिले। आपकी एवरेज वाटर इनटेक जो है वो नॉर्मल हो, पानी पिए। आपकी रोजाना की एक्टिविटी में फिजिकल वर्कआउट जो है वो शामिल हो, वो किसी भी सूरत में हो सकता है, वॉक कर लें, कोई गेम शामिल कर लें जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हो, फिर कॉन्स्टिपेशन जो है वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। अब बेटे ये जो आपकी कॉन्स्टिपेशन है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? मतलब इससे ठीक से मुराद, ठीक तो आपकी इन्हीं पैटर्न पे चल के होगा निज़ाम, लेकिन जो रिलीफ है वो कैसे जो है वो हासिल किया जा सकता है? तो इसके लिए डॉक्टर्स जो हैं दे एडवाइज लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव्स वो अद्वियात
जो कब्ज को ख़त्म करती, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लो मोशन लगने वाली अद्वियात, इसके लिए पैराफिन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। पैराफिन आप कह लो वो बत्तियां सी होती हैं मोम की बनी हुई, वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन का प्रोसेस जो है वो ज़रा ख़त्म हो सके।